Angel Broking ke Ruchit Jain bhi jud rahe hain. Good morning, Ruchit. Aaj bazaar ka mood acha dikh raha hai. Is acche mood mein kya karenge aap? Nifty mein kharidari karenge? Very good morning. निफ्टी में देखे तो पिछले तीन सप्ताह से हमने देखा है कि 10,840 और 10,600 ये एक रेंज बनी हुई है. स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम नो डाउट काफी पॉजिटिव है पिछले सप्ताह से. इवन आज हमने निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये 10,840 का जो लेवल है वो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है. तो हमारी सलाह, हम हमारे क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं कि हम बेहतर है कि एक फॉलोअर बने और जब भी ब्रेकआउट आएगा निफ्टी में उसके बाद ही इंडेक्स में ट्रेड करें. तो आई थिंक वहां से रिस्क काफी कम हो जाएगा और हमको मोमेंटम में अच्छे खासे मुनाफे ऊपर साइड मिल सकते हैं. तो 10,000 क्योंकि 10,840 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है. इसके 10,850 का एक ब्रेकआउट लेवल हमने चूज किया है कि यहाँ पे 10,850 के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट निकलता है तो ही हम निफ्टी में खरीदारी करेंगे. तो मेरी सलाह रही कि निफ्टी में 10,850 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करें. जब भी आज कल परसों जब भी 10,850 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो वहां पे खरीदारी करें. छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 10,810 का और पहला टारगेट रहेगा 10,920 और मोमेंटम हो सकता है उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा. और एक चेक लेते हैं कि आज स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह की हलचल है. मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं. लाए हैं वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग. देखिए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और इंडेक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है. 1% के आसपास की तेजी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको देखने मिलेगी. देखिए करीब 150 पॉइंट के आसपास की तेजी यहां देखने मिल रही है. जिन स्टॉक्स में सबसे पहले खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करते हैं तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यहां इनके प्लान है कि इक्विटी रेज की जाए. करीब 1,500 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग का प्लान है, उसका फायदा मिलता हुआ 6% के आसपास की तेजी. किर्लोस कर न्यूमैटिक, दरअसल इस स्टॉक को फ्राइडे को भी आपको बताया गया था 2:45 को और अब खबर यह आ रही है कि 27 तारीख को बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट के ऊपर, उसका फायदा मिलता हुआ 3% के आसपास की तेजी इस काउंटर में. और खबरों के चलते जीवीके पावर एंड इंफ्रा में भी करीब 5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं. दो सेक्टर जहां अच्छी खासी तेजी है आज, एक तो स्मॉल कैप आईटी और आईटी ये स्टॉक्स जो है उनमें अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है. एचओवी सर्विसेज लीड करता हुआ 16% के आसपास की तेजी. एलआई डिजिटल अब ऊपरी स्तर से नीचे आता हुआ, लेकिन जेन टेक्नोलॉजीज को देखिए 4.5% के आसपास के गेंस इस काउंटर में भी देखे जा रहे हैं. इसके अलावा मेटल्स और माइनिंग काउंटर जो है वहां अच्छी खासी खरीदारी है. जिंदल सौ 2.5%, टिन प्लेट 2.5%, जिंदल स्टेनलेस हिसार अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से कुछ गिरावट है लेकिन अभी भी 0.5% से ज्यादा के गेंस इस काउंटर में देखे जा रहे हैं. इसके अलावा जिन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी है उसमें सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का काउंटर है. करीब 2.5% के आसपास के गेंस इसमें है. तमिलनाडु पेट्रो, गति, इंडो काउंट, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज जमकर खरीदारी हो रही है. लेकिन जिन स्टॉक्स में बिकवाली हावी है उनकी बात करें तो यहां एमबीएल इंफ्रा में करीब 5% के आसपास की गिरावट है. आयनक्स विंड 2% के आसपास गिरा है, लेकिन मनपसंद बेवरेजेस, किरी इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर में 5-5% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है. एक स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए उससे जुड़ी खबर भी आती हुई, इंडिको रेमेडीज. इसके गोवा यूनिट को जो है कैनेडा हेल्थ से मंजूरी मिली है और इसका हमें एक पॉजिटिव असर 5% की बढ़ोतरी के साथ इंडिको रेमेडीज में कारोबार होता हुआ. जनवरी में यूएस एफडीए ने कुछ 8 आपत्तियां दी थी और देखिए अभी इन्हें कैनेडा हेल्थ से अप्रूवल गोवा यूनिट 1 के लिए. रुचित, मैं इसी स्टॉक पर आपका व्यू एक लेना चाहूंगी. टेक्निकल चार्ट पर इंडिको रेमेडीज कैसा दिखता है? इस खबर के बाद हम एक अच्छा मोमेंटम इसमें आते देख रहे हैं. इस स्टॉक को देखें तो अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है. जुलाई 2017 में 175 के आसपास ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाया था और वहां से 300 तक का मूव दिया था. अब पिछले कुछ दिनों से ये फिर से उस 175 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है. हमने स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी देखा है काफी सारे मिड कैप नेम्स में अच्छी खासी बढ़त आई है. तो एक पुल बैक मूव रह सकती है स्टॉक में, हालांकि काफी जल्दी रहेगा कि नो ये गेस करने के वेदर है कि यहां से एक नो बड़ा कोई अपट्रेंड पैन आउट होगा. बट एज ऑफ नाउ आई थिंक कुछ ये स्टॉक में ट्रेड लेना था, पुल बैक मूव के लिए लेना चाहिए. 205 तक के टारगेट से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं और नीचे 166 जो रिसेंट लो है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है. तो कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो 166 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं.
ठीक है, सो 166 का एक स्टॉप लॉस और 200 को क्रॉस करते हुए देख रहे हैं रुचित। साथ ही में रुचित, आज स्टेलाइट टेक के लिए अच्छी खबर कुछ, वो इटली में मेटालर्जिका नाम की कंपनी को खरीदने की तैयारी में है और भारत में जिस तरह से अब ब्रॉडबैंड का कारोबार बढ़ेगा, उनकी मौजूदगी यहां पर जो है इसे बढ़ाने की कोशिश, स्टेलाइट टेक अच्छे खासे अपवर्ड मूव के साथ कारोबार करता हुआ बहुत शानदार मजबूती 4.25% की बढ़त पर। यह आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिखता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके लिए जो है बिजनेस बढ़ने वाला है, तो ऐसे में क्या आपको अभी इस पॉइंट पर कहते हैं खरीदारी करने की सलाह देंगे? रिसेंटली देखे तो जून के पहले सप्ताह में ये स्टॉक ने अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, हालांकि वहां से कुछ ज्यादा फॉलो अप सेलिंग नहीं आया। ये स्टॉक ने नीचे 255 के आसपास काफी स्ट्रांग सपोर्ट बेस भी बनाया है और पिछले दो दिन के पुल बैक मूव के बाद में फिर से वो 200 डीएमए के आसपास पहुंच चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अब यहां से आज की क्लोजिंग क्या रहेगी। 310 ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है ये स्टॉक के लिए, तो जो पिछले दो दिन में ऑलरेडी ये स्टॉक 260 से 301 302 तक पहुंच चुका है, तो 310 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये तेजी आगे कंटिन्यूड रहेगी, अदरवाइज पॉसिबल है थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में रहेगा। तो जो अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है अपने नीचे के स्तर पर पिछले सप्ते लिए हुए तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश लॉन्ग्स बनाना चाहते हैं पोजिशनल परस्पेक्टिव से तो एक 310 के ऊपर का क्लोजिंग का इंतजार करें। ठीक है, सो क्लोजिंग जो है 310 की वो महत्वपूर्ण रहेगी स्टेलाइट टेक के लिए। क्रूड में हम देख रहे हैं मजबूती और आज इसी वजह से कुछ ओएमसी कंपनियों में भी हलचल तेज होती हुई, बढ़त पर कुछ ओएमसी नजर आ रहे हैं, बजिंग स्टॉक है आज के बाजार में, एचपीसीएल, आईओसी, इन सब में बढ़त नजर आ रही है, आप इनमें क्या व्यू अभी रखते हैं? जो ऑल दो पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यूस ये स्टॉक एक प्रेशर में रहे हैं, हमने लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोमेंटम रीडिंग्स है काफी ओवरसोल्ड जोन में पिछले सप्ताह स्टॉक में जा चुके थे, तो इसीलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रूड के मूवमेंट में हमने शुक्रवार के दिन भी एक अच्छी तेजी ये स्टॉक्स में देखने मिली थी हमें, और इनफैक्ट एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में तो शुक्रवार को तेजी में अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए थे, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक पुल बैक मूव थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। एचपीसीएल में पॉसिबिलिटी है कि 288 से 290 तक के लक्षण इस सप्ताह में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल से अगर कोई भी माइनर डिक्लाइंस 268 के आसपास एचपीसीएल मिलता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। ये सिर्फ ये सप्ताह के लिए ट्रेड रहेगा 258 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के और ऊपर 288 तक के लक्षण रहेंगे। और रुचित, किन स्टॉक्स पर आज आपकी नजर है, आपके मुनाफे वाले शेयर? दो पिक्स है जिनमें मैं लग रहा है कि यहां से एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, एक तो टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर में ऑलरेडी 5-6 महीने में एक अच्छे करेक्टिव मूव देखे जा चुके हैं और अब ये पिछले 2-3 सप्ताह से अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स पिछले सप्ताह मूव में अच्छे देखे हुए थे, तो वॉल्यूम्स और प्राइस मूवमेंट को देखते हुए लग रहा है कि यहां से एक अच्छी खासी बढ़त हमें शॉर्ट टर्म में टीवीएस मोटर में देखने मिल सकती है। 567 के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह है शॉर्ट टर्म के 620 के टारगेट के लिए। और मेरा सेकेंड पिक है एमसीएक्स। अगर आप पिछले सप्ताह एमसीएक्स के चार्ट्स को भी अगर देखेंगे तो दो ऐसे ट्रेडिंग सेशन थे जिसमें स्टॉक्स में अच्छे खासी बढ़त में काफी अच्छे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स फॉर्म हुए थे। ये भी स्टॉक एक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास अच्छे वॉल्यूम्स फॉर्म हुए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखेंगे तो ओपनिंग के बाद में अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक में बिल्टअप हुआ है, तो एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह है। 740 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा ये स्टॉक में, 789 का फर्स्ट टारगेट रहेगा जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए, और थोड़ा सा अगर 2-3 सप्ताह होल्ड कर सकते हैं तो 805 तक के सेकेंड टारगेट से स्टॉक में रहेंगे। ओके, सो थोड़ा सा जो है दो हफ्ते तक का टारगेट 805 का एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह। और दूसरा स्टॉक जो रुचित आपको दे रहे थे वो था टीवीएस मोटर, और मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले सुदर्शन के भी खरीदारी की लिस्ट में टीवीएस मोटर था, पर यहां रुचित का जो टारगेट है हम देख रहे हैं वो और भी अग्रेसिव 620 का है। सुदर्शन ने हमें 595 के इंटरे के टारगेट दिए थे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन के लिए टीवीएस मोटर में 620 का टारगेट और खरीदारी की सलाह टीवीएस मोटर में। थैंक यू सो मच रुचित, आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत।